डेयरी का मतलब है दूध और दूध से बने हुए सारे आइटम्स हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल से आता है। एनिमल से आता है इसका मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। कोई भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, पर हर एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है तो नेचुरली उसका हम चाहते हैं उसमें से फैट निकाल निकाल के लिया जाए। तो लोग ये बोलते हैं सर मैं दूध छोड़ना ही चाहता हूँ, बहुत लोग वीगन बन गए आजकल, बोलते हैं मैं दूध का कोई सामान नहीं लेता। आपको मालूम है वर्ल्ड में सबसे हेल्दी खाना जो होता है वो वीगन का खाना माना जाता है, उसमें कोई दूध का भी प्रोडक्ट नहीं होता, कोई मीट नहीं होता, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल एंड रॉ वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स रॉ अनाज खाया जाता है। तो आदमी बोलता है सर फिर उन लोग दूध के बदले क्या ले, तो उसमें सोया की मिल्क आजकल काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है। आगे सोया का मिल्क नहीं मिलता था, आज हर डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए सोया मिल्क मिलता है। तो आज मैं आपको सोया मिल्क के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सोया मिल्क में कैलोरीज दूध से आधी होती है, ये बात आप, जो हम लोग फुल क्रीम मिल्क लेते हैं गाय के दूध लेते हैं उसमें 4.5 ग्राम फैट होता है, जबकि सोया मिल्क में 1.8 ग्राम फैट होता है। तो ये सोया मिल्क अच्छा माना जाता है, फैट कंटेंट काफ़ी कम होती है और इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट मतलब ट्राइग्लिसराइड, 1.8 ग्राम होता है 100 ग्राम में सोया दूध में, जबकि गाय के दूध में 4.5, डबल टोन में भी 2 ग्राम हो जाती है, डबल टोन मिल्क लेंगे तभी 2 ग्राम होता है, और कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, पर सोया में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता क्योंकि एनिमल फूड है। सोया मिल्क में अच्छी चीज़ है कि इसमें प्रोटीन अच्छी अमाउंट में मिल जाता है, कैलोरीज कम है, और कार्बोहाइड्रेट तो दोनों में होते ही है, दूध में भी होता है इसमें भी होता है। इससे एक और फ़ायदा होता है, इसमें कैल्शियम काफ़ी होता है, या सोयाबीन में राइबोफ्लेविन होती है, मैग्नीशियम होती है, विटामिन्स भी बहुत परिमाण में होता है, तो सोया मिल्क काफ़ी फायदेमंद है। सोया मिल्क के लिए खाली एक ही चीज़ होता है, कभी कभी सोया से कोई को एलर्जी होता है वो लोग इसको ना लें। हाँ, एक और सोया मिल्क के बारे में प्रॉब्लम आती है कि वो बोलते हैं सर उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो आजकल फ्लेवर्ड सोया मिल्क आने लग गया है। आप अगर फ्लेवर दे देंगे तो उसका जो थोड़ा सारा एक कोई उसमें टेस्ट आता है सोया का, उसको हटाने के लिए आजकल फ्लेवर्ड सोया मिल्क मिलता है। मैं विदेश में गया हूँ, वहाँ पे सोया मिल्क बहुत पॉपुलर है, काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल सोया का लेके, सोया को रोस्ट करके वो लोग जब बनाते हैं तो उसकी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है, और सोया इज़ अ गुड काइंड ऑफ प्रोटीन, तो सोया का प्रोटीन भी काफ़ी हेल्दी माना जाता है। तो आप सोया मिल्क लीजिए, दूध को छोड़िए, उसके जगह सोया मिल्क लीजिए। सोया का पनीर भी मिलता है, उसको टोफू बोलते हैं, वो भी लिया जा सकता है, पर सोया मिल्क आप ज़रूर लीजिए, इट्स अ गुड वन। एंड कहाँ पे मिलता है वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत पॉपुलर नहीं है, बट विदेश में काफ़ी पॉपुलर है। सोया मिल्क आप लीजिए, और मैं चाहता हूँ सोया मिल्क के बारे में आप लोगों तक बात बताइए। नॉर्मल मिल्क के तरह देखने में होता है, फ्लेवर हो गया तो टेस्ट में भी कोई खास फ़र्क नहीं होता है, तो आप सोया मिल्क का आप इस्तेमाल जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और थैंक यू सो मच, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए।